नमस्कार फरीदाबाद, मैं योगेंद्र पाल और आप देख सकते हैं हम लोग पहुंचे हैं 24 सेक्टर और यहाँ एक कंपनी है जिसकी दीवार तोड़ दी इस ट्रक ने। ये आप देख रहे हैं इस ट्रक ने इसमें टक्कर मार कर ये दीवार तोड़ दी है, पूरी दीवार गिर गई है और ये दिखाएंगे आपको, ट्रक का नंबर भी दिखाएंगे और यहाँ लोगों से भी बात करेंगे कि कैसे हुआ। ये देखें बिजली का खंभा है, इससे बिल्कुल चिपक रखा है ये ट्रक और ये देख सकते हैं ये नंबर है HR38W30336। ये भाई साहब कितने बजे की बात है? अभी आज सुबह 8 बजे, सुबह 8 बजे की जी। तो ये ऐसे कैसे, ये तो इधर तो जगह नहीं है, तो स्टीयरिंग फेल हो गया है? स्टीयरिंग फेल हो गया। ये आ कहाँ से रहा था? इसी कंपनी से निकल रही। अच्छा, इस कंपनी से निकला था? बाइक हो रही थी, बाइक नहीं हुई, मतलब ऐसा था सीधा कंपनी से निकला था तो इधर मुड़ने की बजाय स्टीयरिंग नहीं काम कर रहा, सीधा घुसा नहीं, खाली छुआ गया दीवार जो है ना, खाली दीवार में ही मतलब टच मारा, दीवार गिर गई। अच्छा, तो स्पीड पर भी नहीं रहा? नहीं, कुछ नहीं, गाड़ी तो स्टार्ट ही नहीं, एक बार स्टार्ट हुई बीच में वहाँ फिर खड़ी हो गई। फिर उसके बाद तो अगर स्टीयरिंग भी फेल हो गया तो ब्रेक तो काम करते ना, ब्रेक तो लगी जाते हैं? ब्रेक भी नहीं लगा, कभी तो जाकर वहाँ नहीं तो ब्रेक लगता तो यही खड़ी हो जाती। आज सुबह 8 बजे की बात है। ये देख सकते हैं और बात करेंगे यहाँ लोगों से कि कैसे क्या हो गया था भैया, कैसे हुआ। ये ड्राइवर था? अच्छा, तो यहाँ हाँ जी क्या हुआ सर? बोल रहे हैं कितने बजे का हादसा हुआ, कैसे होगा? मेरे क्या मालूम टाइम तो देखो नहीं था, टाइम सुबह का ही। हाँ, सवेरे का ही आया था, गाड़ी स्टार्ट नहीं थी, बंद गाड़ी में ही, बंद गाड़ी में। और क्या, गाड़ी धड़की है, यहाँ से ब्रेक नहीं लिए, स्टीयरिंग जाम हो गई, ब्रेक फेल थे। तो ये कैसे, लोड है क्या? खाली थी, खाली थी, खाली गाड़ी। हाँ, अच्छा, बिना स्टार्ट किए? बिना स्टार्ट किए। तो मैं वही कह रहा, मैंने कि ये ऐसी रोड ऐसा है तो ये गाड़ी ऐसी ऐसी है तो इसका मतलब जैसे गेट खोल के वो गियर निकाला के दाब के वो तो चली गई है ना, ब्रेक ब्रेक माने ना, स्टीयरिंग कटी है किधर, मतलब ड्राइवर था उसमें बैठा हुआ था। हाँ, ड्राइवर बैठा था, हाँ, नहीं ड्राइवर की गलती नहीं, उसमें गाड़ी खराब, स्टार्ट की गाड़ी जैसे वो बैठा उसने गियर से हटाई तो ये अपने आप ही ब्रेक ब्रेक नहीं लगा, नहीं ब्रेक लिए ही नहीं, जो माने नहीं है ब्रेक, गाड़ी ने ब्रेक नहीं लगा। हाँ, तो जाकर हाँ, चलो ये शुक्र कोई जान हानि हादसा नहीं हुआ, हादसा नहीं हुआ कोई, हाँ वैसे जान मान का खतरा नहीं। बगल में साइकिल मोटरसाइकिल खड़ी थी, हाँ वो मोटरसाइकिल, हाँ वो मोटरसाइकिल का नुकसान हो गया और पुलिस तो पहुंची गई थी मौके पे, आप देख सकते हैं 112 यहाँ पहुंच चुकी है, पुलिस मौके पर पहुंच चुकी है और ये देख सकते हैं ये दीवार गिरी जिसके गिरने से ये देखे ये पूरी दीवार है, जो दीवार जैसा कि वो बता रहे थे गाड़ी स्टार्ट नहीं थी और अपने आप ढलान से नीचे आई और उसमें ब्रेक नहीं लगे जिसकी वजह से ये इस दीवार में सामने दीवार में टकरा गई और टकराने की वजह से जो दीवार गिरी इसके साइड में जो यहाँ साइकिल और मोटरसाइकिल खड़े थे उनमें उनके ऊपर ये दीवार गिरी जिससे मोटरसाइकिल का नुकसान हुआ, ये देख सकते हैं, लेकिन कोई जान हानि नहीं हुई है, किसी तरह की कोई हादसा नहीं हुआ, कोई दुर्घटना नहीं हुई है, ये देख सकते हैं। हालांकि छोटी दीवार थी और जो गिरने से ये स्कूटर देख रहे हैं, मोटरसाइकिल है और एक साइकिल भी शायद थी जैसा कि बता रहे थे, यहाँ साइकिल भी गिरी थी और उनमें नुकसान हुआ और किसी तरह का कोई भी नुकसान नहीं हुआ है, किसी भी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। और सामने वाली कंपनी में ये अंदर गाड़ी थी जहाँ से निकल कर आई और ब्रेक ना लगने की वजह से ये इसमें दीवार में टकरा गई जिससे ये देख सकते हैं ये स्कूटर है और ये मोटरसाइकिल है जो यहाँ खड़ी थी, ये देखें ये मोटरसाइकिल की टंकी और हैंडल आप देख रहे हैं, पूरा हैंडल पूरी तरह से टूट गया, मुड़ गया और ये देख सकते हैं साइकिल अभी भी आपको साइकिल इसमें दबी हुई नज़र आएगी। ये देखें ये पूरी साइकिल है जो यहाँ कोई काम करता होगा, कोई मजदूर होगा, कर्मचारी होगा, उसकी साइकिल है जो ये दीवार के नीचे पूरी दब रखी है, ये मोटरसाइकिल है और ये स्कूटी
ये जो दो तीन हैं ये यहाँ जो खड़े होंगे और जिसकी वजह से यह हादसा हुआ। और ये देख सकते हैं आज तकरीबन सुबह का समय है, सुबह के समय की ये बात है। सर कोई चोट चपेट नहीं आई ना? नहीं कोई चोट नहीं लगी, कोई जानहानि नहीं, जानहानि कोई नहीं। बस ये जो मोटरसाइकिल या साइकिल थी दीवार के नीचे, बस ये नुकसान है। हाँ जी, अरे बता रहे थे कि जो गाड़ी स्टार्ट भी नहीं हुई थी वैसे ही ढलान में दिक्कत बता रहे ड्राइवर। हाँ जी, मतलब गलती नहीं है उसके लिए, देखेंगे वो तो अभी पता चलेगा, अभी चेक नहीं कराई है। ठीक है ना, अभी देख रहे हैं, कंपनी मालिक भी आया है, अभी आए हैं। ठीक है, कर दे बातचीत। ठीक है जी, ये देख सकते हैं लोग यहाँ पहुँचे हैं, जो कंपनी के मालिक हैं वो भी यहाँ पहुँचे हैं और जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करेंगे और जिसकी भी साइकिल मोटरसाइकिल में जो नुकसान हुआ है उसकी भी भरपाई करेंगे। और हालांकि ये एक आप कह सकते हैं कि एक एक्सीडेंट है और जैसा कि वो बता रहे थे कि गाड़ी स्टार्ट भी नहीं थी, अंदर से जैसे ही ड्राइवर बैठा उसने गियर से हटाई गाड़ी, न्यूट्रल करी तो ये ढलान से अपने आप आगे चली आई और ब्रेक ना लगने की वजह से, ब्रेक काम ना करने की वजह से सामने वाली कंपनी की दीवार में टकरा गई, जिससे ये दीवार गिरी और दीवार गिरने से मोटरसाइकिल और साइकिल जो है वो क्षतिग्रस्त हुई है और किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। तो ये आपको बता दें सेक्टर 24 प्राइम पॉलीमर कंपनी है शायद जहाँ ये हादसा हुआ है। बाकी जो कंपनी के मालिक हैं वो यहाँ पहुँच गए हैं और गाड़ी तो देख सकते हैं आप सामने खड़ी है, लेकिन अगर ये जब आई थी तो सामने से कोई गुजर रहा होता पैदल या साइकिल वाला तो हो सकता है कि जानहानि भी हो सकती थी, एक बड़ी दुर्घटना हो सकती थी। लेकिन शुक्र है भगवान का कि ऐसा कुछ नहीं हुआ। जोड़ेंगे आपको शहर की ऐसी और महत्वपूर्ण खबरों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।